हेलो एवरीवन, दिस इज अवितांशना, यू मैथ्स एजुकेटर। कैसे हो बच्चे आप सब लोग? आई होप आप सब हो बढ़िया, एकदम मस्त। तो आज बच्चे हम करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बहुत आसान सा चैप्टर है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत आसान चैप्टर, बहुत जल्दी हो जाएगा और देखना आपको बड़ा ही मजा आने वाला है ये चैप्टर करके, है ना। तो जिन बच्चों ने अभी भी कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है तो बता दूं बच्चों की सब्सक्रिप्शन प्लान से मिलते हैं बहुत सारे फायदे। और अगर आप कोड यूज करते हो SAVITA, ये कोड यूज करते हो तो आपको मिलता है 10% फ्लैट डिस्काउंट। तो जहां पर भी हो, जब भी आप ऐप यूज करो, SAVITA कोड जरूर यूज करना बच्चे, ठीक है। अपने बारे में बताऊं तो बेटा, मेरा नाम है सविता अंजना, मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ आपको और मैंने MSc और PhD किया है मैथ्स में। करीबन 10 साल हो गए मुझे ये पेपर पढ़ाते हुए और मैं अपनी क्लास में ना हमेशा फर्स्ट आती थी। तो कॉलेज में भी मैं फर्स्ट आई थी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी और पहले भी स्कूल में भी मैं फर्स्ट आती थी। तो मैं जो वो पढ़ाकू बच्चा होता ना, वैसे बच्ची रही हूँ। तो मेरे साथ आप ना पढ़ाकू बन जाओ और देखना फिर कैसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बोलती हूँ वैसे वैसे करो, जो जो मैं आपको पढ़ाती हूँ वो पढ़ लो, उसी में आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे बच्चे। तो बेटा आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल में हम लीनियर इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। क्या होता है ये बताती हूँ अभी इस चैप्टर को शुरू करते ही। तो चलो बेटा चैप्टर शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब देखो क्या होता है। पहले तो आपको ये पता है कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, पता है बेटा? ये देखो, कांस्टेंट और वेरिएबल, इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा है। कांस्टेंट मतलब ऐसी वैल्यू जो फिक्स रहती है। जैसे कि अगर आपने कहीं पर 2 लिख दिया है, जैसे कि मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 2x, मैंने ये लिख दिया बच्चे, तो जो 2 है वो तो फिक्स रहने वाला है। तो 2 हो गया बेटा कांस्टेंट। वेरिएबल, वेरिएबल जो वेरिएट होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे कि एक इसकी जगह मैं एग्जाम्पल ले लूँ एक स्क्वायर का, और बच्चे मैं इसका पेरीमीटर मतलब इसकी साइड्स का सम अगर निकालना चाहूँ तो स्क्वायर की साइड्स का सम क्या होगा? स्क्वायर की, क्योंकि चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो स्क्वायर का इसकी साइड्स का यानी कि इसका पेरीमीटर होगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब कि 4 टाइम्स एक्स। तो इस इक्वेशन में बच्चा ये जो 4 होता है ना, ये तो है कॉन्स्टेंट और ये वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने ये स्क्वायर लिया है जिसकी सपोज साइड है 1। अगर मैं ये वाला स्क्वायर ले लूं जो बड़ा है इससे और जिसकी साइड 3 है, तो एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी। मैं और बड़ा लूंगी तो एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी, और बड़ा लूंगी तो एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। इसलिए बेटा वेरिएबल ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, नॉर्मली हम इनको एक्स से, वाई से, जी से डिनोट करते हैं, यू से भी कर देते हैं, वी से भी कर देते हैं, है ना, टी से भी कर देते हैं। कांस्टेंट बेटा, कांस्टेंट को हम नॉर्मली स्मॉल लेटर्स या स्मॉल अल्फाबेट जैसे कि ABC इनसे डिनोट करते हैं। अदरवाइज जैसे नंबर्स होते हैं 2, 3, 4 वो लिखे मिलेंगे आपको। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो अब आ जाते हैं बेटा पहली डेफिनेशन पे, और वो डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप ये अपनी छोटी क्लास पे भी पढ़ चुके हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है कि आपके जो भी इक्वेशन है ना, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा। जैसे कि मेरा पेन अभी नहीं चल रहा है, 1 सेकेंड रुको, अभी चलेगा। जैसे कि बेटा 2x+1 इज इक्वल टू 0, कितना वेरिएबल है इसमें? एक ही वेरिएबल है। और एक और इक्वेशन लिख सकती हूँ मैं, y+5 इज इक्वल टू 0। ये भी कैसी है बेटा? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है y। सिमिलरली t+7 इज इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। वेरिएबल है हमारा यहाँ पर t। तो ये तो हो गया बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आ जाते हैं अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बतानी थी वन वेरिएबल में, यानी कि एक ही वेरिएबल आए। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बतानी है टू वेरिएबल में, यानी कि दो वेरिएबल आए। बट एक चीज याद, पता है आपको कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है बच्चों जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, बस।
वन से ज्यादा ना हो। जैसे कि आपने अगर 2x² + 1 0 लिखा होता तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि x की पावर जो है वो 2 थी, 1 से बड़ी थी। लीनियर का मतलब होता है 1, लीनियर का मतलब होता है लाइन। आगे बताऊंगी लीनियर का मतलब क्या होता है। अभी इतना ध्यान रखो कि लीनियर में हमेशा वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। तो बेटा ऐसे ही लीनियर इक्वेशन बतानी है, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री तो 1 होगी, और कितने वेरिएबल होने चाहिए? 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो ऐसी कोई इक्वेशन 2 वेरिएबल में ये हो सकती है, 2x + 3y = 7। पहली बात तो ये लीनियर है क्योंकि दोनों वेरिएबल की पावर है 1। दूसरी बात, 2 वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y, तो ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ऐसे ही बच्चों एक और हम लिख सकते हैं, जैसे कि 2u + 3v = 9। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। वेरिएबल कौन कौन से हैं बच्चे? u एंड v। तो ये हो गए बेटा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ आया? नाम, बस नाम समझ लो कि क्या पूछना चाह रहा है, आंसर आप अपने आप दे दोगे। मैथ्स को आसान बनाने का एक सबसे आसान तरीका बेटा ये भी है कि जो भी चीज आपसे पूछे ना, उस चीज को ध्यान से पढ़ो और फिर सोचो कि इसका मतलब क्या है। मतलब से ही डेफिनेशन निकल आती है, उसी से ही आपका आंसर निकल आता है। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट चीज, वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब हमने पढ़ा कि कोई भी इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, नॉर्मली उसमें तीन चीजें मिलती हैं, एक फर्स्ट वेरिएबल यानी एक एक्स वाली टर्म, एक वाई वाली टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म को कई बार जीरो के इधर भी लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा था, ये कांस्टेंट टर्म को इक्वल साइड के दूसरी तरफ लिखा था। आप क्या कर सकते हो कि तीनों की तीनों टर्म्स को एक ही साइड लिखकर दूसरी तरफ जीरो लिख दो, ऐसा कर सकते हैं। तो बेटा ये जो इक्वेशन हो गई इस फॉर्म की, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। सो एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax + by + c = 0, यानी कि इस वाली फॉर्म में जहां पर ए बी सी है रियल नंबर्स एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो बेटा इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, इन्होंने एक कंडीशन मेंशन की है कि ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरोज, ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों बच्चे? अगर ये दोनों जीरो हो गए तो एक्स भी खत्म हो गया, वाई भी खत्म हो गया, वेरिएबल ही नहीं बचे, 2 वेरिएबल कैसे बताओगे कि इक्वेशन है नॉर्मली, है ना? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, 0 × करके आप बता सकते हो बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म है, 0 कर दोगे बेटा यहाँ पे, फिर ये 0 ही बन जाएगा। देखो स्केलर बचेगा, स्केलर 0 के इक्वल आ गया, तो सारी टर्म ही 0 बन जाएगी, 0 नंबर मिल जाएगा, इक्वेशन नहीं रह पाएगी। तो ये है बेटा हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल होंगे, एक कांस्टेंट टर्म होगी इसके साथ, ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो अब आ जाते हैं बेटा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने क्या किया है एक क्वेश्चन ले लिया है, एक मैं आपको करा दूंगी, बाकी जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो आप क्या कर लोगे, खुद कर लोगे। क्या तो स्मार्ट बच्चे हो ना, एक बार समझाते ही सारा, जितना प्रैक्टिस करोगे ना खुद से उतने अच्छे से मैथ्स आएगा। तो चलो पहले वाला एग्जाम्पल करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है बेटा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। क्या करना है बेटा, जो भी आपकी इक्वेशन, ये चार नीचे इक्वेशंस दे रखी हैं, इन इक्वेशंस को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसी फॉर्म है ये? लीनियर इक्वेशन इन टू फॉर्म, टू वेरिएबल्स वाली, मतलब कि दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को एक ही साइड रखो, दूसरी तरफ सिर्फ जीरो होना चाहिए। जब ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो कि एक साइड जीरो आ गई और दूसरी तरफ बाकी सारी टर्म्स आ गई, फिर आपको इस इक्वेशन से कंपेयर करना है और हमें बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। एक एग्जाम्पल करके बताती हूँ, जैसे कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो 2x + 3y तो इस साइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4.37 वो इक्वल टू के दूसरी तरफ। तो जब आप इसको बेटा इस वाले साइड लेके आओगे तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का साइन इधर आके माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो
तो ये माइनस का 3.47 हो गया और इधर बच गया बेटा जीरो, है ना। माइनस का जो साइन है दूसरी तरफ आके प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस का है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा अब ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन सेम हो गई हैं। देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पे इक्वल का साइन, यहाँ पे इक्वल का साइन, यहाँ पर सी है लेकिन यहाँ पे माइनस 4.37, सी की जगह क्या आया है बेटा माइनस 4.37। ऐसे इधर बी है, यहाँ पे बी की जगह 3 लिखा हुआ है, इधर ए था, इधर ए की जगह 2 लिखा हुआ। तो ये करना है बेटा बस, ये आपका आंसर निकल आए, ये इक्वेशन और ये दोनों चीजें आपके आंसर हैं। ये ही पूछा है कि पहले तो इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर ए बी सी की वैल्यू बताओ। तो मैं जल्दी से क्या करती हूँ, सेकेंड और थर्ड पार्ट कर देती हूँ, जो फोर्थ पार्ट है ये काम करती हूँ, मैं सेकेंड और फोर्थ पार्ट करती हूँ, जो थर्ड पार्ट है बच्चों ये है आपका होमवर्क, ये है आपका होमवर्क करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आंसर आता है। ओके तो चलो सेकेंड पार्ट में आपको बताती हूँ। एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री वाई, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री वाई, एक ये वाला पार्ट हमें करना है बेटा और दूसरा पार्ट क्या है 2x is equal to y। ये दो क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। पहली बात तो सारी टर्म्स को जीरो के एक ही साइड पर लेके आ जा। तो x प्लस का था, प्लस का 3y बेटा, दूसरी तरफ आके क्या बन जाएगा माइनस 3y, ये माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो बन गया। अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम कंपेयर करेंगे, एक्स के आगे यहाँ पर ए है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वन है, वन से मल्टीप्लाई है, तो बेटा ए की वैल्यू मिल गई वन। यहाँ पर वाई के आगे बी है कॉफिशियंट और यहाँ पर कॉफिशियंट है माइनस थ्री, तो इसका मतलब हुआ बी की वैल्यू है माइनस थ्री। यहाँ है बेटा सी और यहाँ है माइनस फोर, तो सी की वैल्यू आ गई माइनस फोर। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर, करेक्ट, वेरी गुड। आप देखते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या कर सकते हैं, वाई प्लस का है, इधर लेके आओगे प्यारे बच्चों तो मिलने वाला है माइनस वाई और इधर बच गया जीरो। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म तो था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन है इसमें एक्स वाली टर्म भी है, वाई वाली टर्म भी है, लेकिन कोई कॉन्स्टेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको जीरो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करोगे वही नंबर रहने वाला है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमने जीरो ऐड कर दिया। और अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू मिली टू, बी की वैल्यू मिलेगी बच्चों माइनस वन, राइट, वाई के आगे कुछ नहीं है मतलब वन है तो माइनस वन, एंड सी की वैल्यू मिले हमें मिल गई बेटा जीरो। बस इतनी सी चीज करनी थी इस वाले क्वेश्चन में। तो आपने क्या करना है, ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसका है होमवर्क आपके लिए करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, फाइव स्टूडेंट्स जो टॉप फाइव कमेंट्स जो होंगे, जो सबसे पहले फाइव कमेंट्स आई होगी, उसको मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में उन बच्चों का नाम दूंगी, है ना। तो जल्दी से मुझे बताना बेटा क्या क्या इसका आंसर आया। ओके वेरी गुड बच्चों, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू कि इस अभी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पे और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आहा क्या गिवन है बेटा, ये इक्वेशन गिवन है, ये तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुई ना, इसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना। क्या कह रहे हो, बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है बेटा। क्या करना है, x के आगे तो x को तो 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, y की टर्म है ही नहीं, दो वेरिएबल का मतलब है हमें y को भी इंट्रोड्यूस करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, y को 0 से मल्टीप्लाई करके इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि देखो x और y दोनों का कॉफिशियंट एक बार, यहाँ पे दोनों में 0 नहीं होना चाहिए एक साथ, वैसे एक 0 हो सकता है, तो y था ही नहीं तो हमने y को 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, जो पहले वाली इक्वेशन थी वही रही, सॉल्व करोगे वही इक्वेशन आएगी, तो जो भी टर्म मिसिंग होगी हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, एक्स की टर्म नहीं है
तो एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करके उस इक्वेशन में लिख दो, वाई की टर्म नहीं है तो वाई को ऐड करके लिख दो, बस सिंपल। तो अब ये माइनस फाइव को भी इस तरफ ले आओगे बेटा, तो एक्स प्लस जीरो इंटू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल आ गए एक्स एंड वाई। अब आ जाते हैं बच्चे सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है वाई इज इक्वल टू टू। तो पहला स्टेप तो क्या करो, दोनों को जीरो के एक ही तरफ लिख लो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होती है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब y की टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, x नहीं है, क्या करोगे? बिल्कुल सही, x को जीरो से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में लिख देंगे और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया बच्चों? ऐसे ही थर्ड वाला पार्ट भी हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 3 था, पहले 3 को एक साइड ले गए, अब y नहीं है तो y वाली टर्म को जीरो से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आप कहोगे मैम फोर्थ पार्ट क्या है? बिल्कुल सही समझे बच्चे, फोर्थ पार्ट है आपका होमवर्क, तो ये वाला पार्ट भी करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना बच्चे? आगे बढ़े, आगे वाला नेक्स्ट वाला टॉपिक करें। चल हाँ, तो अब आ जाते हैं बेटा, अब तक हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में क्या होती है, उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे। अब आ जाते हैं कि ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करूं, क्या आंसर निकलेगा, तो वह यही करेंगे बेटा। यू हैव सीन दैट एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। बेटा ये आप पढ़ चुके हो कि हर लीनियर इक्वेशन जो है वन वेरिएबल में जो थी उसका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यूनिक मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जैसे कि ये अगर मैं इक्वेशन ले लूं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे? इसका सॉल्यूशन होगा, पहले 3 को उधर लेके गए तो -3 आया और एक्स आ गया -3/2, ये आंसर निकल गया और यही यूनिक सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है। तो बट व्हाट कैन यू से अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? वन वेरिएबल का तो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सो व्हाट इज दिस, व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल? क्या दो सॉल्यूशन होंगे या दो से ज्यादा होंगे, और दो से ज्यादा होंगे तो कितने होंगे? एक चीज बता दूं बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अनगिनत सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो आप एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। कैसे वो अभी बताती हूँ नेक्स्ट, इसमें इस वाले इस ये अभी समझाती हूँ एक एग्जाम्पल लेके। सपोज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ले लो, सॉरी 4, ये एक इक्वेशन है बच्चे आपके पास, ठीक है? अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन नॉर्मली कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में? आप बेटा एक की वैल्यू खुद पुट कर देते हो अपनी मर्जी से और दूसरे की वैल्यू निकालते हो कि क्या आएगी। जैसे कि मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू है 0, एक्स की वैल्यू बेटा 0, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करो तो 2 × 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो वाई की वैल्यू आ गई बेटा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, तो इधर सिर्फ वाई बचा, इधर मिल गया 4। तो एक सॉल्यूशन हो गया बेटा आपका 0, 4। पहला नंबर हमेशा पता है ना एक्स का होता है, दूसरा नंबर वाई का होता है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। एक्स 0 पुट किया तो वाई आया 4, एक सॉल्यूशन निकल गया। ऐसे बेटा आप एक्स की जगह 1 पुट करोगे, एक्स की जगह 1 पुट करोगे बेटा तो क्या मिलेगा? 2 × 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2 × 1 इज 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई आ जाएगा 4 − 2 मतलब कि 2। तो जब एक्स को 1 पुट किया तो वाई आया 2, ये सॉल्यूशन नंबर 2 निकल आया। ऐसे ही एक्स को 3 पुट करो, जब एक्स को 3 पुट करोगे तो जो आपका सॉल्यूशन है वो होगा बेटा 4 − 6, 4 − 6 मतलब -2, तो 3, -2 भी एक सॉल्यूशन निकल के आया।
इसको हम बेटा टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस सॉल्यूशन को कैसे लिख सकते हो टेबल फॉर्म में? यहां पर एक्स की वैल्यू रखते जाओ, एक्स की वैल्यू रखते जाओ और वाई देखो क्या आता है। जब एक्स को रखा 0 तो वाई आया 4, जब एक्स को रखा 1 तो वाई आया 2, जब एक्स को रखा 3 तो वाई आया -2। ऐसे एक्स की वैल्यू अलग अलग रखते चले जाओगे, वाई के आंसर निकलते चले जाओगे, तो कितने सॉल्यूशन मिले इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के? बहुत सारे। और फाइनाइट नहीं नंबर, तो क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझे बेटा? हाँ, वन वेरिएबल में सिर्फ एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे दो वेरिएबल आए अनगिनत सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्वेशन टू के। तो इसको मैंने एक स्टेटमेंट पे लिख दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा ये, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, और एक बार फिर से एक दो एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, एग्जांपल नंबर 3 में करना है कि चार डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने हैं इस इक्वेशन के। बड़ा आसान है, हम तो चार क्या, हम तो कितने भी निकाल सकते हैं, 10 भी निकाल सकते हैं, 20 भी निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं, चार तो बहुत ही थोड़े, ऐसे ही निकाल लेंगे, है ना। एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 6 इक्वेशन है। एक टेबल बना लेते हैं बच्चों, इधर ये टेबल हमने बना लिया। इस टेबल में हम क्या करते जाएंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे, है ना बच्चों। तो देखो पता है नॉर्मली हम क्या करते हैं आगे, क्योंकि ये एक ना इजी मेथड हो जाता है, एक बार एक्स को 0 रख दो, एक बार वाई को 0 रख दो, फिर देखो क्या आंसर आता है। जब एक बार एक्स को 0 रखोगे, एक्स 0 हो गया, यहाँ बचा बेटा 0 प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 6, 2 वाई इज इक्वल टू 6, वाई की वैल्यू आ गई 6/2 मतलब कि 3। जब एक्स को 0 रखा तो वाई की वैल्यू 3 आ गई। आसान हो गई ना कैलकुलेशन, 1 2 रखते तो पहले माइनस करना पड़ता फिर डिवाइड करना पड़ता। तो हमेशा जब दो सॉल्यूशन तो हमेशा कैसे निकाल लेना, एक बार एक्स को 0 रख के और एक बार वाई को 0 रख के। अब दूसरी बार क्या करेंगे, वाई को 0 रख दो। जैसे ही वाई को 0 रखोगे बेटा, एक्स प्लस 2 × 0 इज इक्वल टू 6 हुआ, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 बन गया, एक्स की वैल्यू आ गई 6। जब वाई को 0 पुट किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 6। दो आंसर तो ऐसे ही निकल गए, मतलब बहुत ही ऐसे 0 पुट करते निकल। अब क्या करना है, अब मर्जी है बेटा, एक्स को रखो या वाई को रखो, जो मन करता है वो वैल्यू रखो, जिसकी मन करता है उसकी वैल्यू रखो। मन कर रहा है कि एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू रख दो। आप कह रहे हो नहीं मैम वाई की वैल्यू रखते हैं, तो वाई की वैल्यू रख दो। इट्स ऑल अप टू यू कि किसकी वैल्यू रखना चाहते हो। मैं तो बेटा एक्स की जगह 1 रखना चाहती हूँ। अब एक बार एक्स को 0 रखा, एक बार वाई को 0 रखा, थर्ड सॉल्यूशन के लिए मैं एक्स को 1 रखना चाहती हूँ इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जब मैं एक्स की जगह बेटा 1 रखूंगी, तो 1 रखा प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 6, 2 वाई आ गया मेरे पास 6 - 1 इसका मतलब 5, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके हो गया डिवाइड। तो जब मैंने एक्स को रखा बेटा 1, वाई मुझे मिला 5/2। 5/2 का मतलब है बेटा 2.5। दोनों लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे बेटा, अब मैं रखने वाली हूँ बच्चे एक्स को 2। जब मैं एक्स को 2 रखूंगी तो इक्वेशन बन जाएगी 2 + 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 - 2, 2y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2। तो जब मैंने y को रखा 2 तो x को रखा 2 तो y की वैल्यू भी आई 2। तो मेरे चार सॉल्यूशन मिल गए बच्चे मुझे, कौन कौन से, 0.3, 6.0, 1.2.5 एंड 2.2। चाहे इस फॉर्म में आंसर लिखो या इस फॉर्म में आंसर लिखो, दोनों करेक्ट है। इस फॉर्म में ध्यान रखना बेटा, हमेशा पहली वैल्यू एक्स की होगी, दूसरी वैल्यू वाई की होगी। इतनी बातें समझ में आए बच्चों? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल निकालना आ गया ना, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला है इन पॉइंट्स को, क्योंकि आपने देखा ये पॉइंट्स आए हैं, ये पॉइंट्स बने हैं,
पिछले चैप्टर में बच्चों हमने ये सीखा था कि इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे या पेपर पे लोकेट कर सकते हो यूजिंग कार्टेशियन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो इसी की हेल्प करके, पिछले वाले चैप्टर की हेल्प लेकर, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो जब भी आपको अगर ये क्वेश्चन मिलता है एग्जाम्स में कि ड्रॉ करो ग्राफ एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स या ऐसी किसी इक्वेशन का, तो सबसे पहले दो या तीन पॉइंट्स निकाल लो उसके। तीन पॉइंट्स निकाल, कैसे निकालेंगे अभी बताती हूँ। एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स है, इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे बेटा। ये हमने टेबल ड्रॉ किया, मर्जी है दो निकाल लो, तीन निकाल लो, चार निकाल लो, कम से कम तीन तो बेटा निकालने ही है, ठीक है। तो पहला मैंने बताया था, हमेशा हमारा पहला तरीका होगा। अच्छा तो अच्छा मैं एक बार स्टेप्स बता देती हूँ। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बेटा इस इक्वेशन के तीन या चार सॉल्यूशन निकालो, फिर वो जो सॉल्यूशन आएंगे, जो पॉइंट्स आएंगे, उनको एक ग्राफ पेपर पे पॉइंट लगा दो और फिर उन पॉइंट को मिला दो, तो वो जो पॉइंट मिल गए वो बन जाएगा आपका ग्राफ। तो पहले तो सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने बताया था हमेशा पहले एक बार एक्स को जीरो रख दो और एक बार वाई को जीरो रख दो, दो सॉल्यूशन तो यहीं से आ जाएंगे। जब इस इक्वेशन में एक्स को जीरो रखोगे बेटा, टू वाई आया सिक्स के बराबर, है ना, जीरो प्लस टू वाई सिक्स के बराबर, तो वाई की वैल्यू आ गई थ्री। और जब वाई को जीरो रखोगे बेटा, तो एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू सिक्स मिला, तो एक्स की वैल्यू आ गई सिक्स। तो जब एक्स को जीरो रखा तो वाई की वैल्यू आई थ्री, जब वाई को जीरो रखा तो एक्स की वैल्यू आई सिक्स। ऐसे ही एक और बार आंसर निकाल लो। अब एक्स की जगह टू पुट कर दो, मर्जी आपकी, कुछ भी पुट कर सकते हो। मैंने टू पुट कर दिया क्योंकि फिर पूरा नंबर मिल जाएगा, एक होल नंबर मिल जाएगा। टू प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, टू वाई इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू फोर हो गया, वाई बेटा फोर बाय टू कितना मिला टू। तो मैंने एक्स को टू रखा तो वाई टू मिला मुझे। अब मैं एक्स को रख देती हूँ बेटा फोर। अगर मैंने एक्स को फोर रखा है तो मेरी इक्वेशन बन गई फोर प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, ये वाली इक्वेशन बेटा। टू वाई इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू वन, तो एक्स को मैंने रखा फोर तो वाई मेरा मिल गया वन। अब ये जो टेबल है बच्चे, इसमें पॉइंट्स जो जो हैं, जीरो कॉमा थ्री, सिक्स कॉमा जीरो, टू कॉमा टू, फोर कॉमा वन, इन पॉइंट्स को हम एक ग्राफ पे लोकेट करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी बताते हैं, ठीक है। इनको अब हम एक ग्राफ पर लिखें। हाँ बेटा, तो ये मैंने लिख लिए हैं जो पिछले वाले सॉल्यूशन थे ना, देखो मैंने ये निकाले हैं जीरो पे, सिक्स पे, टू पे, फोर पे। इधर मैंने ऑलरेडी ये टेबल बना के रखा है जिसमें मैंने इक्वेशन निकाली है जीरो पे, फोर पे, टू पे, सिक्स, फोर पे एंड सिक्स, वही वाले सेम वही नंबर है। देखो जीरो सिक्स टू फोर, इनको आगे पीछे लिख दिया है, जीरो टू सिक्स फोर, ये नंबर्स हैं। अब इनसे ग्राफ ड्रॉ करें। तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करो बच्चे, मैंने हमेशा आपको बताया कि ग्राफ ड्रॉ कैसे होता है। ग्राफ दो ड्रॉ करने के लिए ये दो लाइंस लेंगे जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं। ये जो है ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये है वाई एक्सिस बेटा। जिस पॉइंट पर वो कट करेंगे वो जीरो होता है। इधर जीरो के इधर सारे पॉजिटिव एक्स नंबर लिखे जाते हैं, जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। इधर बेटा एक्स के सारे नंबर आते हैं नेगेटिव वाले, जैसे कि माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एंड सो ऑन। इस वाली साइड को एक्स डैश एक्सिस भी बोल देते हैं, जैसे ये वाई है तो इसको वाई डैश एक्सिस भी बोल सकते हैं। इधर ऊपर की तरफ बेटा वाई के पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, जैसे वन टू थ्री फोर एंड फाइव। नीचे की तरफ बेटा वाई के नेगेटिव नंबर्स, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। ये चीज नहीं पढ़ी है तो बेटा इससे पहले वाला चैप्टर जो है वो जाके एक बार आप वीडियो उसका देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो ये वाला पॉइंट है बेटा, इसको लोकेट करेंगे जीरो कॉमा थ्री। कैसे करेंगे, एक्स है जीरो, वाई है थ्री। एक्स जीरो, ये जीरो है, एक्स जीरो कहां पर है, ये जीरो है एक्स। वाई थ्री कहां पर है बेटा, ये रहा वाई थ्री, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये है बेटा जीरो कॉमा थ्री। इस पॉइंट पर एक्स है जीरो, वाई की वैल्यू है तीन। एक्स जीरो होने का मतलब है बेटा एक्स है ही नहीं। एक्स जीरो का मतलब तो यही हुआ ना, कोई वैल्यू अगर जीरो है इसका मतलब वो है ही नहीं, सिर्फ दूसरी वैल्यू लिखो। तो
तो यहाँ पे एक्स जीरो है, वाई तीन है, मतलब हमें वाई इज इक्वल टू तीन पर अपना पॉइंट लगा। दूसरा पॉइंट है बच्चा टू कॉमा टू, एक्स है टू, ये रहा हमारा टू, और वाई है हमारा टू, दोनों इस पॉइंट पर मिलते हैं, टू कॉमा टू मिल गए, बहुत बढ़िया। थर्ड है बेटा एक्स है फोर, वाई है वन, तो ये रहा मेरा फोर एक्स और ये रहा वाई, वाई वन इधर से आएगा, एक्स फोर इधर से आएगा, ये पॉइंट मिल गया बेटा फोर कॉमा वन। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एक्स सिक्स वाई जीरो, वाई है ही नहीं, एक्स है सिक्स, तो ये पॉइंट हो गया मेरा सिक्स कॉमा जीरो। अब ये जो चारों पॉइंट्स है ना बेटा, ये जो चारों पॉइंट्स है इनको मिला देते हैं, ये रही सिंगल लाइन से इनको मिला दिया, देखो मेरा मिला नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो बेटा, अच्छे से इनको मिला सकते हो, ये वाले पॉइंट मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कहने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये हो गया आपका ग्राफ फॉर टू वेरिएबल्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। आप जब भी एक दो वेरिएबल के इक्वेशन का ग्राफ मिलाओगे ना बेटा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी बेटा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। इसी वजह से मैं आपको बता दूं, यही रीजन है कि जो 1 डिग्री की जो पॉलिनॉमियल है ना बेटा इस तरीके की, उसको लीनियर बोलते हैं। लीनियर कहाँ से आया है ये वर्ड, लाइन से, कहाँ से आया बेटा, लाइन से, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसी वजह से इन इक्वेशंस को जो 1 वेरिएबल की होती हैं, जो सॉरी 1 डिग्री की होती हैं, हमेशा याद रखना 1 डिग्री, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू आपको 1 मिले, 1 डिग्री वाली जो पॉलिनॉमियल होती है ये लीनियर पॉलिनॉमियल कहलाती है। क्यों कहलाती है बेटा, क्योंकि हमेशा ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जब भी आप इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। द रीजन दैट अ डिग्री 1 पॉलिनॉमियल इक्वेशन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इज दैट इट्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, चल अब आ जाता है एक और टॉपिक, एक और क्वेश्चन इसी पॉइंट पर। वो क्वेश्चन क्या है बेटा, वो क्वेश्चन ये है, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, सॉरी क्वेश्चन है, गिवन द पॉइंट 1, 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज। आपको एक पॉइंट दे दिया है, 1, 2 एक पॉइंट दिया है बेटा, आपको क्या करना है, इक्वेशन बतानी है लाइन की जिस पर ये पॉइंट लाई करे, मतलब जिस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करे। ये कौन सी लाइन पर लाई करेगा बेटा, कौन सी लाइन पर होगा ये पॉइंट, ऐसी लाइन पर जिस लाइन को इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करे। तो अगर मैं लिखूं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, तो क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं, बिल्कुल आएंगे, एक्स की जगह 1 पुट करो, वाई की जगह 2 पुट करो, आंसर मिल गया 3। तो ये इक्वेशन हो गई, सिंपल सी इक्वेशन है, बस एक्स और वाई इस तरीके से चूज करो, इक्वेशन इस तरीके से बनाओ कि उनका सम लो तो इन दोनों नंबर्स का सम आ जाए, क्योंकि पुट हमको यही करना है, तभी हमें पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन है ना बेटा। एक और इसकी इक्वेशन बना सकते हो, क्या हो सकती है इसकी इक्वेशन, आप लिख सकते हो एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फाइव, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फाइव, इसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, वाई की वैल्यू 2 पुट करो, 5 आ जाए। तो इस तरीके से आप बहुत सारी इस पॉइंट के लिए इक्वेशन बना सकते हो, तो इस तरीके से इक्वेशन बनानी है बेटा, समझ में आया, जो भी पॉइंट गिवन है ना उनको एक्स प्लस वाई उनके सम के बराबर लिख दो। इक्वेशन कैसे बनाओगे बच्चों, अगर इस पॉइंट की इक्वेशन बनानी है तो एक्स प्लस वाई करके इन दोनों का सम लिख दो 3। अगर मैं कहूँ 5, 2 पर इक्वेशन बनाओ, तो 5, 2 पर क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स प्लस वाई लिखा और इधर इन दोनों का सम करके लिख दिया 7, इक्वेशन बन गई। आगे अगर इसी से दूसरी इक्वेशन बनानी है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को कर दो या वाई को कर दो, अगर एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर बेटा एक्स को मल्टीप्लाई करके ही सम लिखो, तो 5, 2 जा 10 प्लस 2, 12, ये इक्वेशन बन गई, समझ में आया। तो पहली इक्वेशन कैसे बनाओगे, एक्स प्लस वाई को बराबर कर दो उन दोनों नंबर्स के सम के, आपको इक्वेशन मिल गई, इस तरीके से इक्वेशन बनानी है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा, हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर, ऐसी कितनी इक्वेशंस वहां पर है, तो
तो देखो दो इक्वेशन मैंने निकाल दी, ऐसे मैं बहुत सारी निकाल सकती हूँ। 2x + y = 4 है ना, x 3x + y = 5, मतलब अनगिनत इक्वेशंस निकल सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इक्वेशंस आप बना सकते हो। अच्छा इसका नॉर्मल मतलब क्या हुआ पता है? इसका नॉर्मल मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट आपको दे दिया है 1,2, वो आपसे पूछ रहा है कि कितनी इक्वेशन बन सकती है लाइन की। इसका ये पूछना चाह रहा है कि इस पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है। बेटा एक पॉइंट से ना बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं, अनगिनत लाइनें आप एक पॉइंट से पास करके दिखा सकते हो, हर लाइन की अलग अलग इक्वेशन हो। इसीलिए इस पॉइंट पे कितनी लाइन की इक्वेशन आपको मिल सकती है, अनगिनत लाइन की इक्वेशन मिल सकती है। ठीक है चलो बेटे, तो चलो बच्चों अब आ जाते हैं इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के। तो ये क्या होता है बच्चों, पहले तो मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ कि ये हमारे पास जो है कार्टेशियन सिस्टम है, जिस पर ये है एक्स एक्सिस और ये है बच्चों वाई एक्सिस। ड्रॉ कर लिया, ये पॉइंट है 0 जहाँ पर दोनों मिलते हैं, ये है पॉइंट 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ही ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। तो आप एक चीज बताओ बेटा, हमें निकालनी है ऐसी लाइंस की इक्वेशन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या जो एक्स एक्सिस हो। तो एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं बच्चों, आपको पता है वो किस फॉर्म के होते हैं? जैसे 2,0, 3,0, 5,0, ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। ये है 2,0, ये है 3,0, ये है 5,0। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पे जो है बेटा आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है 0। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हुई, एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो गई y = 0। सो योर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज गिवन बाय y = 0। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन आएगी? पैरेलल एक्स एक्सिस के ऐसी लाइंस आएंगी बेटा, जैसे कि सपोज एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं 2 लेती हूँ, एक्स इज इक्वल टू 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, x * 0y, x + 0 * y = 2। तो ये अब आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल गई जिसपे आपको इनफाइनाइटली इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे बेटा। और एक्स इज इक्वल टू 2 अगर बात करो तो ये है आपका x = 2,0। इस पर आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो ना, एक्स इज इक्वल टू t, यही है बेटा। तो ये लाइन ड्रॉ हो जाए x = 2 के लिए। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या हुई बेटा, x एक्सिस की इक्वेशन हुई जहां पर y किसके बराबर है, y = 0 के बराबर। ऐसे अगर y एक्सिस की हम इक्वेशन की बात करें तो y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स किस फॉर्म के होते हैं, 0,4, ये वाला पॉइंट क्या है जैसे कि 0,3, मतलब y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो जो y एक्सिस हो गया उस पर x हमेशा 0 होता है। तो ये हो गई y एक्सिस की इक्वेशन। तो क्या याद रखेंगे, x एक्सिस पर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होगा और y एक्सिस पर हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वहीं से आपको इनकी इक्वेशंस मिल जाए, है ना बच्चों? इतनी बात समझ में आई? चल चलो बेटा, अभी और आगे हम करते हैं। ये वाला इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इक्वेशंस ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हम अब निकालेंगे। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है बेटा, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 एज अ इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल का मतलब है सिर्फ वाई इज इक्वल टू 3 को लोकेट करना है, और 2 वेरिएबल का मतलब है कि ये जो है ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा कैसी इक्वेशन, इसमें एक्स नहीं है लेकिन 2 वेरिएबल होने चाहिए, तो एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करके आप इस इक्वेशन में ऐड कर दोगे। अब आप इन दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करोगे। तो
y इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान है क्योंकि ये पॉइंट है, तो ये आपका जो है x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, इस पर ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2, ये है पॉइंट 3, तो ये जो पॉइंट है बेटा ये पॉइंट हुआ आपका 0, सॉरी सिर्फ 3, y इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट हो गया, ये आपने लोकेट किया, ठीक है बेटा, क्योंकि सिर्फ y इज इक्वल टू 3 गिवन है। अगर हम बात करें x इज x x सॉरी y इज इक्वल टू 3 इन टू वेरिएबल की, तो इसमें दो एक्सेस हम इस तरीके से लिखेंगे, ये है आपका 1 2 3, ये है बेटा 1 2 3, तो y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 ये पॉइंट होगा जिसको हम 0.3 भी लिख सकते हैं बेटा, और ये जो लाइन है ये इस तरीके से पैरेलल आ जाएगी x एक्सिस के, इससे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो जब आप टू वेरिएबल की बात करो, क्योंकि टू वेरिएबल में हमेशा आपको पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो बेटा उस केस में आपको ये लाइन मिलेगी जो y इज इक्वल टू 3 से पास होकर जाती होगी, जो y इज इक्वल टू 3 से पास होकर जाती होगी, है ना। और पॉइंट के अब वन वेरिएबल के केस में सिर्फ एक पॉइंट हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। इतनी बातें समझ में आए बच्चों सबको, है ना। चलो बेटा अब आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छा था वो नेक्स्ट पॉइंट था बेटा, यही वाला क्वेश्चन था, वन वेरिएबल में डिनोट करना था, वन वेरिएबल में पॉइंट की फॉर्म में डिनोट कर दोगे, टू वेरिएबल में क्या करोगे बेटा, लाइन की फॉर्म में डिनोट करोगे कि लाइन क्या होने वाली है, ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। हाँ चल, तो इसी के साथ ही बेटा आज का लेक्चर अपना अपना आज का लेक्चर खत्म होता है। अब बता देती हूँ सब्सक्रिप्शन के बारे में, जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन के बारे में नहीं पता है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो बेटा सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, आप घर बैठ कर लाइव पढ़ सकते हो, सारे कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, रेगुलर आपके डाउट दूर होते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल, प्रॉपर गाइडेंस, सब कुछ आपको मिलता है सब्सक्रिप्शन लेने पर। तो सब्सक्रिप्शन बेटा दो तरीके का है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन की डिटेल देखो आप देख सकते हो, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ, जो भी प्लान आपको बेटा अच्छा लगे आप वो ले सकते हो, चाहे तो पर मंथ पे कर सकते हो या एक साथ पे कर सकते हो, जैसे भी पे करो कोड जरूर यूज करना सविता, रेफरल कोड सविता यूज करने से क्या होगा आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो ये था प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। आइकॉनिक में बेटा 6 एक्स्ट्रा फीचर्स मिलती है, प्लस में जो मिली है उसके अलावा 6 एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या, कि आपको पर्सनल टीचर या पर्सनल मेंटोर मिलता है जो आपको पर्सनली गाइड करना है करते हैं कि कैसे पढ़ते हैं, इसके साथ वो आपके लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस रखते हैं, आपकी वीकली रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है कि आपने पूरे वीक में क्या पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई की, आपके पेरेंट्स अगर कुछ पूछना चाहते हैं बच्चे तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ स्टडी प्लानर और सारे के सारे अन अकेडमी आपके बेनिफिट्स मिलते हैं, ये भी बच्चे फिर से बहुत सारे प्लान्स में आता है, आपको जो अच्छा लगे वो प्लान लो, पर मंथ पे कर सकते हो, एक साथ पे कर सकते हो, लेकिन कोड जरूर यूज करना सविता, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिले, है ना बच्चे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर जल्दी से एक ही शॉट में कवर करने के लिए, ठीक है बच्चे, तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए, एंड लेट्स क्रैक इट।